नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगवाने वाले बयान के बाद हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मौजूदा सरकार के नुमाइंदे भी वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है। यहाँ MLC मनवेंद्र सिंह के द्वारा वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही सपा सुप्रीमो के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान MLC प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के द्वारा आशुतोष सिन्हा के वैक्सीन से नपुंसक बनाने के बयान शर्मनाक करार दिया है। अलीगढ़ के बीजेपी MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने आशुतोष सिन्हा के बयान को देश विरोध कृत्य बताया। प्रदेश की सरकार से रासुका में केस पंजीकृत कराने की मांग भी उठाई है। आशुतोष सिन्हा के बयान को बताया देश तोड़ने का बयान बताते हुए धर्म विशेष और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो काफी निंदनीय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया है, मैंने कभी अपने जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान किसी नेता का नहीं देखा। और उनके नवनिर्वाचित MLC आशुतोष सिन्हा जी द्वारा भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई है कि वैक्सीन लगने से नपुंसकता आ जाएगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी कृत्य भी है। ऐसे देश विरोधी कृत्य के खिलाफ, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करके उनको रासुका में भी पंजीकृत करना चाहिए। उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है, एक धर्म को भड़काने की उन्होंने कोशिश की है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध भी उनके खिलाफ बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वता पूर्ण भरा बयान, देश को गुमराह करने वाला बयान, अनभिज्ञता के आधार पर दिया गया बयान कि यह भाजपा की वैक्सीन है। यह बयान देश के करोड़ों नागरिकों, देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, उनकी की गई मेहनत के ऊपर एक हमला है।